फिरोजाबाद के किड्स कैंपस स्कूल में लगी आग को लेकर विद्यालय के प्रबंधक मनोज शर्मा ने बताया कि विद्यालय में किसी प्रकार की कोई आग नहीं लगी थी, यह तो केवल स्कूल को बदनाम करने की कुछ लोगों की साजिश थी। हमारे संवाददाता सौरव शर्मा को उन्होंने इस संबंध में आगे क्या जानकारी दी, हम सुनवाते। स्कूल परिसर में आग लगी थी तो क्या घर में लगी थी या स्कूल में, क्या मामला है? ये स्कूल में आग नहीं लगी थी, हमारे आवास में आग लगी थी। आवास के एक कमरे में वो छोटी सी बेड शीट का इतना आग लगने के कारण थोड़ा सा धुआं वगैरह हो गया, ना कि पूरे कमरे में आग लगी थी। खाली बेड शीट में आग लगने का इतना भवंडर बनाया मीडिया वालों ने और स्कूल वालों ने, ये मेरे स्कूल को बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी। अरे क्लासें प्रॉपर चल रही थी, कोई क्लासों में ऐसे बताते हैं कि अफरा तफरी मची, ऐसा कुछ माहौल हुआ था? ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ सर, हमारे पास स्कूल की रिकॉर्डिंग है, पूरे स्कूल की रिकॉर्डिंग है, आप जब चाहो तब चेक कर सकते हैं कोई भी आके। अच्छा, कोई फायर ब्रिगेड या कोई आया बुलाई गई थी क्या, मतलब इतनी तेज आग थी कि फायर ब्रिगेड सुनने दी? फायर ब्रिगेड की जरूरत ही नहीं पड़ी, आग हाथ के हाथ बुझ गई थी, 5 मिनट के अंदर आग लगी और हमने हाथ के हाथ उसको काबू पा लिया था। अग्नि शमन यंत्र लगे हुए थे, उन्हीं के द्वारा आग से काबू पाया गया।